हाँ जी, क्या हाल चाल है? आज हम पहुंच चुके हैं पालघर। आपको बता दें, पालघर जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। कैसे जाएंगे इस जिले में, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ यहाँ रेड लाइट एरिया, कैसे रेलवे स्टेशन है, पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पालघर पहुंचने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PLG। जब भी आप सर्च करेंगे, जो कि पालघर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, कुछ इस तरीके से आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगाया गया और बहुत संख्या में लोग यहाँ पे जाते हैं। अगर हम ट्रैक की बात करें तो 5 ट्रैक और 3 प्लेटफॉर्म है, जो कि अलग अलग ट्रेनें आती हैं। साथ साथ में हर एक रात को अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लाइट वगैरह आपको ऑन मिलेगा, लोगों की जनसंख्या मिलेंगी, तो ऐसा दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। स्टेशन के बाहर ही 2-व्हीलर 4-व्हीलर दोनों को पार्क करने की सुविधा दी गई है, जहाँ पर आप गाड़ी वगैरह कम्फर्ट होकर पार्क भी कर सकते हैं। अगर हम जोन की बात करें, वेस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन है और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये महीम रोड में पड़ता है पालघर में, जो कि महीम रोड पालघर में मौजूद है ये रेलवे स्टेशन, और इसी के बगल पे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से बसें वगैरह भी लेके आप यहाँ से अनेक जगह पे जा सकते हैं। तो पालघर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है डिस्ट्रिक्ट का। तो अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन जो है यहीं से गई हुई है पालघर से होते हुए। स्टेशन के बाहर में आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, स्टेशन के अंदर में भी जो स्टेशन प्लेटफॉर्म है उसमें खाने पीने की सुविधा मिल जाती है। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो आपको यहाँ से बाहर में पे कर सकते हैं, और पे करके फिर आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जिसके सहारे आप जा सकते हैं। अगर हम यहाँ होटल की बात करें तो पालघर के सिटी में आपको होटल का सुविधा मिल जाएगा, जहाँ पे जैसा आपका बजट है 500, 400, 300 जिस तरीके से, उस तरीके से आप यहाँ पे होटल में भी रुक सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से है रेलवे स्टेशन, जो कि पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया है। और ट्रेनें बहुत सारी आती हैं जाती हैं, तो ट्रेनों का दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और 5 ट्रैक 3 प्लेटफॉर्म में लगातार जो है ट्रेनें वगैरह आती ही रहती हैं। तो ये है, देख सकते हैं जहाँ से आप आएंगे, ये मेन एंट्रेंस गेट है, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये टेम्पो वगैरह ऑटोज वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा, स्टेशन से बाहर निकलेंगे यहीं पे आपको रोड के पास ही मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसके ज़रिए आप फिर पालघर के कोई भी जगह पर जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको जाना है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जाना हो या फिर रेल लाइट एरिया जाना हो। जिस जगह पर सामने जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये होटल है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। होटल का जो किराया है 500, 600, 400 बजट के अनुसार आपको मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। साथ साथ में यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं और यहाँ का कॉलेज वगैरह भी जा सकते हैं। तो पालघर रेलवे स्टेशन भी कुछ इसी तरीके से, ये देखिए दुकानें भी आपको मिल जाएंगे हर एक प्लेटफॉर्म में, पीने का पानी से लेकर दुकानें वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिसके ज़रिए कभी भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमेशा लोगों की जनसंख्या रह जाती है और लोग आना जाना लगातार करते ही रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और पूरी तरीके से लोगों की जनसंख्या है। ये पालघर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PLG। जब भी आप सर्च करेंगे, जो कि हेडक्वार्टर है पालघर डिस्ट्रिक्ट का, इसके साथ साथ में लोकल ट्रेनें भी यहाँ पे चलती हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, लोकल एक्सप्रेस दोनों, जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं आराम से, कंफर्ट होके, और फिर यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।